अम्मी सारी पैकिंग हो गई और निखत बाजी को जरूरी सामान लेने गई है जिसकी जरूरत हमें अपने नए घर में पड़ सकती है। अरे शिरीन जल्दी करो, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? इतने बरसों से इस घर में रह रहे, इतना सारा सामान है, कैसे होगी पैकिंग, कैसे जाएंगे हम? राशन, नए घर का इंतजाम हो गया? नहीं हुआ है तो हो जाएगा। हम नीचे जाते हैं, तुम लोग जल्दी से सामान लेकर नीचे आओ। कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मरियम, मरियम, देखो मैं चाय लेके आई हूं। मरियम कहाँ चली गई है? अल्लाह मिया, कल जहां पर ना सिक्स पैक में देख लिया तो अयान, क्या कर रहे हो तुम? वही जो आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं अब्बू। जल्दबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं है बेटा। ऐसे में करूँ तो मैं क्या करूँ अम्मी? इस फैसले का मतलब ये है कि हम इस घर में रुक के मुमानी की अगली साजिश का इंतजार करें, इंतजार करें कि कब वो हमें, मुझे एक नई साजिश में फंसाए और फिर मामू और मुमानी मेरी जिंदगी का फैसला ले। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही है, हम इस घर में घर वालों की तरह नहीं गुलामों की तरह रह रहे हैं, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जानती थी राशिद मियां यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उस राज में इतनी ताकत जो है। मिस फारूकी बाहर आइए। मिस फारूकी सुनिए, आप यहाँ हैं तो अंदर कौन है? मेरा दरवाजा तोड़ दिया। मिस्टर खान देखिए वहाँ कोई है। कोई नहीं है। नहीं वहाँ है, वो दीवार के पास कोई था, ट्रस्ट में मैंने देखा अभी। प्लीज आप जाके देखिए। आपका दिमाग खराब हो गया, वहाँ कोई नहीं। आपका भी दिमाग खराब हो गया, बाथरूम में भी कोई नहीं है, उसका दरवाजा अटका था मैंने खोल दिया। देखिए बगैर मेरी परमिशन के यहाँ से हिलना भी मत, बहुत खतरा है, दोनों मारे जाएंगे समझी, और आवाज भी बिल्कुल मत करना। ओके बाजी एक बात बोलूं? हाँ। मेरा ना दुपट्टा बाथरूम में रह गया। आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? Actually, मैं अपना फोन और आईपैड लेने आई थी। I have changed my mind. आप फिर से यहाँ क्या कर रही? हम तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कसम दी, तुम्हें वो कसम तोड़नी नहीं चाहिए थी। मैं आपके लिए दुनिया की दीवी हर कसम तोड़ सकता हूँ भाई, लेकिन क्या आप अम्मी की दीवी कसम तोड़ सकते? नहीं आया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए बहुत अजीज हो, मेरे भाई हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें अम्मी से ऊपर का दर्जा नहीं दे सकता। मेरा पूरा वजूद अम्मी की बदौलत है। दरवाजे से वाजिद मेरी कॉफी रूम में लेकर आना।